नहीं, घोषणा हो चुकी। घोषणा तो मैं हो गया हूँ 64 साल का, मैं 40 साल से सुन रहा हूँ। लेकिन रोजगार पैदा होना चाहिए धार जिले के अंदर, रोजगार की बहुत कमी है। कि जो नर्मदा के जल की जहाँ तक बात है, घोषणा होना अलग चीज़ है। घोषणा तो पिछले 70 सालों से कई हो रही है, किंतु उसको अमल में लाना वो एक इच्छा शक्ति की, राजनीतिक दलों की कहीं कहीं कमी नज़र आती है। धार में तो कोई विकास ही नहीं दिख रहा है। कहाँ विकास हुआ है बताओ? केवल एक रोड बनाई थी उस समय पे, उसके बाद कोई विकास नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रेणु अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद है धार के लाल बाग में और आप शो देख रहे हैं लल्लू राम का पब्लिक मीटर। जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। हमारे साथ ये मॉर्निंग वॉक पे आए हुए लोग हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? तो सबसे पहले तो धार में नर्मदा का जल चाहिए, ठीक है। नर्मदा का जल के लिए तो घोषणा तो हो चुकी। नहीं, घोषणा हो चुकी। घोषणा तो मैं हो गया हूँ 64 साल का, मैं 40 साल से सुन रहा हूँ कि नर्मदा बस आ जाएगी, 2 साल में आ जाएगी, 3 साल में आ जाएगी। लेकिन गर्मी में पानी की इतनी किल्लत पड़ती है, अभी आप आधे घंटे बाद देखना लाल बाग में लोग, पूरे शहर के लोग केन ले लेके आएंगे पानी भरने के लिए। मतलब इतना पानी गिरा है, उसके बावजूद पानी की किल्लत है। सबसे पहले पानी की किल्लत दूर की जाए। यदि चूंकि विधानसभा चुनाव की वो आचार संहिता भी लग चुकी है, घोषणाएं भी हो चुकी है, कई घोषणाएं हो चुकी है, आ ही जाएगा नर्मदा का जल? अरे 40 साल तो हो गए बोलते बोलते, नहीं आया लगता है। मेरे से बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो ये बताएं मुझे भैया, क्या लगता है आपको? धार जिले के विकास में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो पीथमपुर नाम धार का दिया गया, और औद्योगिक नगरी पीथमपुर को पूरा फायदा हमारे जिले से हटकर इंदौर को दिया जा रहा है। चूँकि नाम जिले का है तो जिले का विकास तो वहीं अवरुद्ध हो गया, जहाँ से कि इस जिले को जो आय होना थी वो सारी बाहर चली गई। दूसरी बात, हमारे साथी ने बोला कि जो नर्मदा के जल की जहाँ तक बात है, घोषणा होना अलग चीज़ है। घोषणा तो पिछले 70 सालों से कई हो रही है, किंतु उसको अमल में लाना वो एक इच्छा शक्ति की, राजनीतिक दलों की कहीं कहीं कमी नज़र आती है। आज धार जिले को बहुमुखी विकास के लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है। रेलवे आने के बाद भी हम अभी ये नहीं कह सकते कि हमारे जिले का, हम बात कर रहे हैं जिले की, अभी ऐसी हमारी विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं। हमको जिले का विकास चाहिए, और जिले का विकास होगा तो हमारी विधानसभा का विकास अपने आप हो जाएगा। इन्होंने कहा कि रेल की बात बोली है इन्होंने, तो रेल मतलब हम भी बचपन से सुन रहे हैं, आप भी बचपन से सुन रहे हैं, 2024 तक रेल दौड़ेगी, तो क्या लगता है आपको, दौड़ेगी रेल? तो संभावना पूरी 100% है कि रेल आएगी, और हम बहुत जल्दी रेल के अंदर बैठने वाले हैं। 24 तक रेल की संभावना है। लेकिन रोजगार पैदा होना चाहिए धार जिले के अंदर, रोजगार की बहुत कमी है। दूसरा, पीथमपुर की बातें हैं तो पीथमपुर का ये बात सही है कि पीथमपुर से धार जिले को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टोटल फ़ायदा इंदौर को मिल रहा है, और इंडस्ट्री जितनी भी डल रही है उनको भी, जितनी भी एग्जम्पशन गवर्नमेंट की सुविधा है जो धार जिले के नाम से मिलती है, वो सब इंदौर उनको फ़ायदा मिल रहा है। ये भी एक गलत तरीका है। दूसरा, मेरा ये कहना है GST आज पूरा जो है व्यापार, GST इतना आदमी को GST देने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंट, जो उसका प्रस्तुतिकरण है, वो सरकार बहुत गलत रूप से कर रही है। सरकार ने 2017 से GST लगाया है, और लगभग सरकार स्वयं अपनी गलती को 1100 बार सुधार चुकी है, लेकिन व्यापारी को एक बार भी सुविधा नहीं दी है, और व्यापारी के बारे में सरकार कोई सोच ही नहीं रही है। सरकार की हर किसी क्षेत्र में नीतियां बन रही है, व्यापार या व्यापारी के बारे में कोई नीति नहीं है। दूसरा, फ्री की जो रेवड़ी बांटने का अभियान चल रहा है, ये बहुत गलत है, इसको बंद करना चाहिए। हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि जो भारत के अंदर रेवड़ी बांटने का अभियान चल रहा है फ्री, ये बंद होना चाहिए। ये सरकार ऐसा काम जो करे इस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, आम लोगों का पैसा है। फ्री बांटने से लोगों को में भी मक्कारी आ रही है, काम करने की क्षमता ख़त्म होती जा रही है, और ये देश के लिए आने वाला समय बहुत ख़राब होगा। अगर इस प्रकार की सरकार फ्री चीज़ बांटती रही तो आने वाला समय इस भारत के लिए भी बहुत ख़राब रहेगा। फ्री रेवड़ी बांटने की सरकार जो है, फ्री रेवड़ी के लिए तो हम भी बहुत इसके अपोज में करते हैं कि फ्री रेवड़ी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, काम करने वालों की क्षमता कम हो जाती है, उनको खाने को मिल जाता है तो सोचते हैं कि काम पाए करना, और काम करना जरूरी है। इंसान काम नहीं करेगा तो उसको ज़िंदगी बिगड़ जाएगी।
सबसे मेन बात तो ये शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। शिक्षा का स्तर वैसे बहुत, तो ये प्राइवेट संस्थाएं चल रही है, इन पर थोड़ा बैंड करना चाहिए, और गवर्नमेंट के स्कूल जो है वो अच्छे लगा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो है शिक्षक अच्छे होना चाहिए, जब भी शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। शिक्षक क्या होना चाहिए, मेडिकल शिक्षा, कृषि शिक्षा? शिक्षा के मामले में तो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और इनमें जो लूटमार हो रही है वो बहुत गलत है। सरकार को ऐसे गवर्नमेंट स्कूल बनाना चाहिए जिसमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे टीचर हों, तो ये लोग प्राइवेट की तरफ नहीं जाएंगे, ये जो लूटमार हो रही ये नहीं हो। वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल भी सिवाय लूटने के कुछ नहीं कर रहे हैं, जाएंगे वेंटिलेटर पे डाल देंगे, ये करेंगे, इतना पैसा लेते हैं कि आदमी को बर्बाद कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि सब फीस मतलब फिक्स होना चाहिए कि इस चीज़ की? बिल्कुल इसमें है, बिल्कुल ये वो करना चाहिए गवर्नमेंट ने कि इससे ज़्यादा आप फीस नहीं लेंगे, या ये इलाज होंगे और इलाज प्रॉपर होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि ये जांच जबरदस्ती करवा रहे हैं, ये जांच हॉस्पिटल अच्छा, में करवा रहे हैं। धार जिले में धार विधानसभा का विकास हो रहा है? धार विधानसभा का विकास तो शिवराज सिंह हटेंगे तो ही होगा, क्योंकि ये तो घोषणा मशीन के नाम से मशहूर हो चुके हैं। इनको मशहूर हो चुके हैं घोषणा मशीन के, हजारों घोषणाएँ कर दी, पूरी कुछ नहीं करते हैं, और सिर्फ रेवड़ियाँ बांटना है, फ्री की रेवड़ियाँ, इसको दे दो उसको दे दो, ये कर लो, बस फ्री का बांटना है, लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। काम दो, रोज़गार दो, बजाय फ्री का देने के। दूसरी बात, धार की ये हालत है, धार के तालाब इतने वो होते जा रहे हैं, उनको गहरे करो, हर बार सूख जाते हैं। ये तो ईश्वर की कृपा है कि इस बार पानी अच्छा गिर गया तो ये तालाब भर भी गए, नहीं तो पूरे तालाब पेंदा ही दिख रहा था, सूखे थे। हमारे साथ एक और हैं, आप बताओ कि क्या धार विधानसभा में जिले में क्या कार्य हुए, विकास हुआ है? धार में तो कोई विकास ही नहीं दिख रहा है। विकास कोई कहाँ विकास हुआ है बताओ? केवल एक रोड बनाई थी उस समय पे, उसके बाद कोई विकास नहीं दिख रहा है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का लाभ मिल रहा है धार विधानसभा को या जिले को? कहाँ जिले को कहाँ मिल रहा है? इधर बड़े बड़े लोग खुला, बदनौर में खुला, उसमें कहाँ है? कहीं कोई किसी को लाभ नहीं मिला है। आज भी बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, दाड़ की कंडे बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे कहाँ है? धार के निवासी को कोई रोजगार ही नहीं मिला है। छात्रों का क्या भविष्य है? छात्रों का भविष्य तो बहुत अंधकार है, शिक्षाएं मिल नहीं रही हैं समय समय पर। अब देखो ये नर्सिंग का वो है, तो उसमें भी बच्चों का एडमिशन हो गए, दो दो तीन तीन साल हो गए, परीक्षा नहीं हुई है अभी तक। तो ये क्या है, शिक्षा का तो बिल्कुल निले ही है। व्यापार को लेके आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है धार जिले में व्यापार को लेके? लोगों को रोजगार मिल रहा है या पलायन करना पड़ता है, क्या व्यापार की तो स्थिति पहले से ठीक हुई है, और लोगों का पलायन ये क्या है कि नए जगह पे ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है आदमी को, तो इसके लिए नई जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करता है यंग बॉडी। शिक्षा वगैरह सब ठीक है यहाँ? शिक्षा वगैरह फिर भी पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। हमारे साथ एक और है, कस्वर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में और क्या होना चाहिए? विकास के मुद्दे रहेंगे, और जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी ने, योगी जी ने, शिवराज जी ने, आज आम जनता बहुत खुश है और बहुत प्रदेश की बहुत तरक्की हुई है पिछले 15 सालों। विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए हैं? धार विकास की बात करें हम तो, धार विधानसभा में गाँव रोड बने हैं, जल नल योजनाएँ बनी है, और सभी प्रकार के कार्य को, शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हुआ है, पर फिर भी अभी कुछ कमी है मेडिकल कॉलेज वगैरह की, जो होने जा रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और हैं, ये मॉर्निंग वॉक पे आए मनीष जी, क्या लगता है कि धार जो विधानसभा है धार जिले में है, इसमें विकास कार्य हो रहे हैं, होना चाहिए? वही प्रियंका गांधी ने भरे मंच से कहा कि राजा तो गए। धार जिले का विकास तो ये है कि धार में इतने साल हो गए, एक ही विधायक, पहले तो एक ही विधायक शासन कर रहा है एक तरह से, और कोई विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास बस खाली घोषणा वीर, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, फ्री में बस पैसे पहुँचा रहे हैं, पैसे पहुँच के चुनाव जीत रहे हैं, ये कोई वो नहीं है कि विकास हो रहा है धार में। इसका पूरा बेनिफिट धार पीतमपुर को मिल रहा है। पीतमपुर बेनिफिट किसको मिल रहा है? इंदौर को जा रहा है पूरा।
धार को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ यहाँ? इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा हुई, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, कृषि कॉलेज की घोषणा हुई, लॉ कॉलेज चालू हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? घोषणा सब हो रही है, हो भी रहा है, पर इतना जैसे स्वास्थ्य के हिसाब से देख लो आप, स्वास्थ्य में इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए, इतने सुविधाएं नहीं मिल रही है जितनी मिलना चाहिए, और कॉलेजों में फीस इतनी बढ़ गई है प्राइवेट कॉलेजों की, और सरकारी कॉलेज में कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसमें सुविधा नहीं है, शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं, शिक्षक नहीं, टीचर्स नहीं मिलते, लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, कैंपस नहीं आता है, कैंपस नहीं आता। हाँ, तो ये थे हमारे साथ धार के जो प्रभुत्व नागरिक होते हैं वो थे, और इन लोगों ने हर मुद्दे पे अपनी बात रखी है। मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं लल्लू राम पब्लिक मीटर।